नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ 9th क्लास के स्टूडेंट और हमारे प्रिय छात्र गोलू हैं, और ये आप बाबू अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम गोलू कुमार है और मैं सिकंदरपुर ग्राम से निवास करता हूँ, और मेरी शुरू से पढ़ाई आधारशिला से ही चलती आ रही है। वेरी गुड। अभी आपके पढ़ाई का रेशियो क्या है घर पर? स्टडी आवर कितना है? स्टडी आवर लगभग नॉर्मल 4 से 5 घंटा है। 4 to 5 hours, जी भैया। मतलब घर के लोग बोलते हैं पढ़ने बैठने के लिए, तब आप पढ़ते हैं या अपने से बैठ जाते हैं? नहीं, अपने से बैठ जाते हैं। अपने से बैठ जाते हैं। जी, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री है। हिस्ट्री। जी, तो हिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है? हिस्ट्री का पिता हिकेटर को कहा, हेरोडेटस। हेरोडेटस, हेरोडेटस। हाँ, हेरोडेटस। जी कुछ लोगों का मानना है जी कि सिलेबस से इतिहास को हटा देना चाहिए, कुछ विद्वान लोगों का मानना है। जी इतिहास पढ़ के क्या फायदा? किसी के बाबा दादा का नाम जानकर हम क्या करें? हम अपने परदादा का नाम भूल जाते हैं, दूसरों के परदादा का नाम जानकर के हम क्या करें? कुछ लोग ऐसे मानना है। जी आपको हिस्ट्री को लेकर के, आपका तो फेवरेट सब्जेक्ट है, जी तो आपसे अगर पूछा जाए कि क्या हिस्ट्री का भी महत्व है? जी, हिस्ट्री का बहुत महत्व है, क्योंकि हिस्ट्री पढ़कर हमें प्राचीन बातों को, अपने बड़े पूर्वजों के बीते हुए बातों को हम जान पाते हैं। यही बात है, जो बड़े पूर्वज होते हैं, जो प्राचीन काल में क्या किए, मध्य काल में क्या किए, आधुनिक काल में क्या किए, इन सभी में परिवर्तन को देखने को मिलता है, और अपने अब अपने आप में डेवलप भी होती है। हाँ, जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। जी, पिछली चीज़ों को देखकर हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि इतिहास को मतलब हटा देना चाहिए, ये सही चीज़ नहीं है। हम लोग ऐसा नहीं कहें, नहीं कहना चाहिए। इतिहास का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। जी, और इतिहास से ही तो आधुनिकता का संबंध जुड़ा है। जी, सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक राजा होता था। राजा होता था, वेरी गुड। अब बताइए, मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? मार्टिन लूथर फ्रांस का रहने वाला था। आपके पास ऑप्शन है इटली, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल। जर्मनी। जर्मनी का, ठीक। अब बताइए, द्रव्यांतरण की आलोचना किसने की थी? द्रव्यांतरण की आलोचना किसने की थी? ऑप्शन है आपके सामने, विक्लिफ ने, लायोला ने, लूथर ने। लूथर। विक्लिफ ने। विक्लिफ। जी। अच्छा, अमेरिका का पता किसने लगाया? अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया था। कोलंबस ने लगाया था। और एक कोलंबस क्या था पेशे से? नाविक था। नाविक था जी, ठीक। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का था। पुर्तगाल का था। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किनसे सीखा था? अरबों से। अरबों से, ठीक। अच्छा, वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद जी। कुबलई खान कहाँ का निवासी था? कुबलई खान। ऑप्शन है जापान, स्पेन, चीन, भारत। कुबलई खान। कुबलई खान भारत। कुबलई खान चीन के थे। डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की है? डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की? ऑप्शन है एरा समसन ने, दाते ने, मैकियावेली ने। मैं क्या भाई? डिवाइन कॉमेडी की रचना दाते ने किया है। एक जहाज था कैरावल जी, जो हल्का था और तेज चलने वाला था जी भाई, इसको किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने बनाया। पुर्तगालियों ने बनाया था जी भाई। जमोरिन के बारे में पढ़े हैं? जी भाई, जमोरिन। जमोरिन, तो जमोरिन कहाँ का राजा था? केरल का राजा था। ऑस्ट्रेलिया में खोज किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया को
कैप्टन कुक ने किया था। कैप्टन कुक ने जी ठीक। ईसाबेला कहाँ की रानी थी? स्पेन की रानी थी। स्पेन की रानी जी ठीक। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था? रोम में था। रोम, रोमन कैथोलिक रोम जी, में था। रोम में। बाबू अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई थी? 1492 ईस्वी। और वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? वास्को डी गामा कालीकट 20 मई 1498 ईस्वी भारत का खोज करते हैं। चलते हैं बाबू आपको हम लेकर के साइंस की तरफ। बल में जब वेग से गुना किया जाए, यानी बल गुना वेग, क्या प्राप्त होगा? बल गुना वेग बराबर संवेग होता है। संवेग। अच्छा, न्यूटन की गति के किस नियम से जड़त्व की परिभाषा मिलती है? प्रथम नियम से ठीक। अब बताइए, बल सदिश राशि है या अदिश राशि? बल सदिश राशि। सदिश राशि ठीक है। अगर 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलना हो तो कितना प्राप्त होगा? 27 डिग्री सेल्सियस ठीक। 573 केल्विन को सेल्सियस में बदलना हो, 573 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो कितना प्राप्त होगा? 573 में से 273 घटेगा 300 जी भी। क्या पानी को काटना संभव है? नहीं। कुर्सी, वायु और गंध में कौन पदार्थ नहीं है? गंध। घृणा शब्द, घृणा बादाम और विचार, घृणा बादाम और विचार में कौन पदार्थ है? बादाम। हमारे घर पर जब खाना बनता है जी, तो जब गर्म भोजन रहता है जी, तो उसका स्मेल आता है, और वही जब ठंडा हो जाता है जी, तो स्मेल नहीं आता है। इसका क्या कारण है बता सकते हैं? सुगंध के कण जी, वो उच्च तापमान पर रहते हैं, उच्च तापमान पर जब गर्म रहते हैं, तो गर्म भोजन रहता है तो जी, और जिससे उनका विसरण जो है, यानी फैलाव जो है, वो तेजी से होता है वायु द्वारा, तभी हमारे नाक में पहुँचते हैं जी। और वही जब भोजन ठंडा हो जाता है तो वो ठंडे पड़ जाते हैं जी। अब बताइए बाबू, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है जी, ऊपर की ओर जी, तब गुरुत्व बल, ऑप्शन बोल रहे हैं, गति की ही दिशा में लगता है, या गति की विपरीत दिशा में लगता है, या शून्य हो जाता है? गति के विपरीत दिशा में। गति के विपरीत दिशा में तभी वो ऊपर से नीचे खींच पाता है। बस में बैठे हैं या किसी कार वगैरह में? जी कार में बैठे हैं, बस में बैठे हैं। तो जिस सीट पर आप बैठे हैं, मान लीजिए कार के सीट पर जी, और आपकी गाड़ी की रफ्तार जो है लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा पे जा रही है, तेज नहीं चलानी चाहिए, लेकिन मान लीजिए चल रही है, आपके राजेश अंकल चला रहे हैं गाड़ी, थोड़ा सा तेज चलाते हैं, और आपने क्या किया कि आपके पास एक बॉल है, बॉल जी, आपने फेंका ऊपर, और गाड़ी की रफ्तार है 100 किलोमीटर या उससे भी अधिक जी, आपने ऊपर फेंका है, तो कैच करने के लिए क्या होता है? जैसे बॉल आपने यहाँ फेंका तो बॉल यहीं ना गिरता है, यहाँ पे जी यहाँ गिरता है जी, तो बॉल यहीं पे गिरेगा या आगे या पीछे गिरेगा? थोड़ा सोच कर बताइए। पीछे गिरेगी जी। आपकी गाड़ी की रफ्तार कितनी भी अधिक हो, आप तो विराम में हैं, आप विरामावस्था में हैं, तो बॉल जो है आपके हाथ में ही आएगी, वहीं पर जिस मतलब जहां आपने उछाला है बॉल, वहीं पर गिरेगी। पृथ्वी त्वरण कमान
बताना है आपको कि सभी स्थानों पर एक ही होता है या पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है? सभी स्थानों पर एक ही होता है या पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है? पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। जमीन पे आपका जितना वेट है जी, चंद्रमा पे वेट वही रहेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। भोजन का पचना जी, ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक। पानी का बर्फ में तब्दील होना, ये कौन परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन है। लोहे का तप्त होकर लाल होना, ये कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। चलिए भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन का समझ रखते हैं। पेड़ के पत्ते का सूख जाना रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि फिर आप उसे हरा नहीं कर सकते। इसे बताना आपको कि ये कथन सत्य है कि असत्य है। बारूद एक मिश्रण है, इस्पात एक तत्व है। गलत। ये गलत है। मैग्नीशियम एक धातु है, आयोडीन एक अधातु है। सत्य। सत्य। ठीक है। पेड़ का काटना एक भौतिक परिवर्तन है। असत्य। ठीक। सिलिकॉन एक उपधातु है। सत्य। जल एक तत्व है। सत्य। जल एक तत्व। असत्य है। जल एक तत्व नहीं। बोरॉन क्या है, तत्व है या यौगिक है? बोरॉन एक तत्व है। बोरॉन एक तत्व जी। ठीक। आपके पास हम ऑप्शन बोल रहे हैं चार ठो, इसे बताना है कि कौन रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, लोहे में जंग लगना, पानी का उबलना, चांदी के वर्क बनाना। चांदी का वर्क बनाना। रासायनिक परिवर्तन बताना है इसमें। लोहे में जंग लगना, बर्फ का पिघलना, चांदी के वर्क बनाना, पानी का उबलना। रासायनिक परिवर्तन लोहे में जंग लगना। हाँ वो होगा, चांदी का वर्क से तो फिर आप चांदी पर बदल देंगे जी। तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। पीतल, स्टेनलेस स्टील, बालू और आर्सेनिक। आर्सेनिक होगा था। आर्सेनिक जी। बताना है आपको इसमें कौन तत्व नहीं है। ऑक्सीजन, ब्रोमीन, लोहा, हवा। ब्रोमीन। ब्रोमीन तो तत्व है, हवा न तत्व नहीं। हवा जी भैया। क्या पीतल एक यौगिक है? सत्य है। हाँ यौगिक है। ठीक। इनमें से कौन विलयन है, मिट्टी, ब्रोमीन, कोयला या समुद्र जल? समुद्र जल। वो विलयन है जी, उसमें नमक का मात्रा मिला हुआ है। विलय और विलायक के मिलने से विलयन, विलयन बनता है। दो या इससे अधिक तत्वों के संयोग से यौगिक बनते हैं जी। ठीक है। यौगिक में तत्वों का अनुपात, यौगिक में तत्वों का अनुपात निश्चित होता है या अनिश्चित होता है? निश्चित होता है। निश्चित होता है जी। चलते मैथ्स की तरफ। अब बताइए त्रिघात बहुपद में बहुपद का घात क्या होगा? त्रिघात बहुपद में बहुपद का घात क्यू होगा, तीन होगा। हाँ भाई, तीन होगा। आप त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बताइए। त्रिघात बहुपद का परिभाषा, डिफिनेशन, व्यापक रूप। जैसे रैखिक बहुपद का ए एक्स प्लस बी होता है जी, वैसे ही त्रिघात बहुपद का क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस फाइव प्लस बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, सी एक्स प्लस डी जी, है ना? इसको एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी जी, ये होगा आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक। अब बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? एट होगा। आठ। एट हो, चार और दो इसका गुणनफल आठ। ठीक है। अब तीन बटा पाँच के समतुल्य एक और भिन्न बताइए। तीन बटा पाँच के समतुल्य। समतुल्य भिन्न,
समतुल्य का मतलब क्या होता है? जो उसके बराबर हो, उसके बराबर हो। तो 3/5 के समतुल्य आपको कोई भिन्न लिखना हो तो क्या तरीका अपनाइए, क्या कीजिएगा? समतुल्य भिन्न लिखना हो उसके तो दो से, हाँ दो से गुना कर दीजिए, ऊपर नीचे 6/10 हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या से गुना कीजिए, मतलब ऊपर नीचे दोनों से बराबर में जी। ठीक है, 0.2 दो के ऊपर रेकर्डिंग है तो ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसे रेकर्डिंग है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अच्छा, जब P/Q का रूप जब लिखेगा 0.2 का तो क्या प्राप्त होगा? 0.2 का 2/9, दो के ऊपर रेकर्डिंग है तो हो जाएगा 2/9 हो जाएगा। अच्छा, 0.2 है और दो के ऊपर रेकर्डिंग नहीं है तो इसका मान कितना प्राप्त होगा? 2/10, फिर भी परिमेय है, क्योंकि फिर भी परिमेय है जी। अच्छा, इसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 2/10 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा? फिर से भैया, 2/10 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा? 2/10 शांत होगा। शांत होगा, क्यों शांत होगा? कट तो जाएगा लेकिन अगर आप इसके P/Q में क्यू के बारे में कुछ बोलना होगा तो क्या बोलिएगा, क्या बताइएगा? हाँ, शांत है, ठीक है, 2/10 का दशमलव प्रसार शांत है। इसको संक्षिप्त रूप इसका लिखिएगा तो 1/5 हो जाएगा। हाँ, तो इसके क्यू के बारे में आप क्या कहिएगा? क्यू के बारे में ही ना कहिएगा कि इसका भाज्य गुणनखंड 2m×5n के रूप का है जी। मतलब नीचे भाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होता है तो शांत होता है जी, या केवल 2 होता है या केवल 5 होता है तब भी शांत होता है। ठीक है, ठीक है, आप बताइए 125 का पावर 1/3 है, इसका हल, इसको हल कीजिएगा तो कितना प्राप्त होगा मान? 125 का पावर 1/3 है, √125 हो जाएगा और 25 हो, 5 हो, 5 होगा। हाँ जी, रूट से उसको फिर निकाल सकते हैं, क्यूब रूट इसे करेंगे जी। हाँ ठीक है, 81 का पावर 1/2 इसका वैल्यू कितना होगा? 9 होगा। ठीक है, क्या सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं? क्या सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या है? सही बात है। जी, पाई एक कौन सी संख्या है? पाई अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है जी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 2 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। 0 है, 0 जी भैया। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, जैसे आपसे, जब से आपसे पूछा जाए जी, तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? 10 विषम संख्या का योगफल 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कर देंगे जी। वैसे ही प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर 3x है, 3x प्लस x का पावर 1/2, ये कौन सा बहुपद है? फिर से भैया, 3x प्लस एक्स का पावर 1/2 ये कौन सा बहुपद है? एक्स का पावर 1/2 रैखिक बहुपद है। 3x प्लस एक्स का पावर 1/2, बहुपद का परिभाषा क्या होता है? सभी ऐसे व्यंजक जिसमें चर का घात ऋणेतर पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। 1/2 होता है तो बहुपद होता है, पावर जब 1/2 होता है ये बहुपद नहीं, बहुपद नहीं है, नहीं। ये बहुपद ही नहीं है, नहीं जी, क्योंकि x का पावर 1/2 है जी, ये बहुपद नहीं, नहीं। रूट एक्स कौन सा बहुपद है? रूट एक्स, पहले बताइए क्या ये बहुपद है? रूट एक्स बहुपद है। कौन बहुपद है? रैखिक बहुपद। रूट एक्स जब रूट हटाइएगा तो एक्स का पावर 1/2 हो जाए, बहुपद नहीं है, वही √5x होता है।
मतलब रूट में 5x बाहर चर का घाती ना देखा जाता है जी, तो ये बहुपद हो जाता है, रैखिक बहुपद हो जाता है जी। जब सभी अचर पद जैसे 1, 2, 3, 4 ये सब जो है जी। 21 घात का बहुपद है, सभी अचर पद किस घात का बहुपद है, जैसे आपसे हम पूछे हैं कि क्या 5 बहुपद है, 5 बहुपद जी भैया, 5 शून्य घात का बहुपद, शून्य सभी अचर पद जो है शून्य घात का, वो शून्य घात का बहुपद है। ठीक, मैथ्स आप पढ़ रहे हैं, अच्छा है, दिक्कत नहीं है। गोल क्या है, कुछ क्या सोचते हैं फ्यूचर के बारे में? गोल मेरा बिजनेस है। बिजनेस है जी, पॉलिटिक्स नहीं है, बिजनेस के थ्योरी वो सब जुड़ा ही है। बिजनेस के थ्रू वो जुड़ा है ना जी। जॉब क्रिएट करना है जी, जॉब क्रिएट करने वाला जॉब लेने वाले से ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है पढ़ाई में जी, तब ना वो डील करा सकता है जी भैया, उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एक तो ये सोचा जा सकता है कि बिजनेस हमें करना है तो हमें ठीक से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे बिजनेस में पढ़ाई की क्या ज़रूरत है, कैलकुलेटर चलाने आना चाहिए, दशमलव का जहाँ ज़रूरत हो वहाँ गुना वगैरह आना चाहिए। एक तो ये हो गया जी। और बिजनेसमैन वो दूर दृष्टि वाला बिजनेस, केवल जीरा मरीच छाप नहीं, मतलब जीरा मरीच का भी कारोबार हो तो ट्रक से जी। अगर वो विजन रहेगा तो उसके लिए अपना मेहनत का लेवल और ज़्यादा रखना होगा। चलिए ठीक है, गोलू से आज बातचीत हुई, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए और बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बहुत सारे सवालों का जवाब बहुत सटीक और सरलता से दिया है, कंफर्टेबल थे क्वेश्चन को बताने में, आत्मविश्वास लेवल आज 7वें आसमान पर था, अच्छा लगा। मिलेंगे फिर इसके बाद भी, आज के लिए बस इतना ही।